हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। टॉपिक है व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, बीमारी कैसा दिखता है। व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंजेस फॉर द वर्स। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से अफेक्टेड है तो उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है और फिर जो अपीयरेंस है उसके बॉडी पार्ट्स में वो चेंजेस दिखने लगते हैं। ये जो चेंजेस हैं वो साइन है, वो पहचान है कि आपको कौन सा बीमारी हुआ है, तो इसको कहते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स के आधार पर जो डॉक्टर होते हैं वह पहचान करते हैं कि आपको पर्टिकुलर जो है वो कौन सा बीमारी हुआ है, और इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट भी करवाते हैं। अब है टॉपिक टाइप ऑफ डिजीज़। तो बहुत सारे टाइप है डिजीज़ का, जिसमें हम लोग को चार टाइप का पढ़ना है, जिसमें पहला है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ विच आर लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी अगर कोई बीमारी जो हो वो सिर्फ कम समय के लिए हो, एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, और बॉडी पर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, तो इन सब बीमारियों से क्या होता है कि शरीर में ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं दवा खाने से। उसके बाद है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ विच आर लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय के लिए होगा, इतना कि कभी कभी तो मरने तक भी ठीक नहीं होता है, एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, और उसका शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, इंसान के मरने तक ख़त्म ही नहीं होता है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इनको हो गया वो साल दो साल ठीक होने में लग जाता है, एलिफेंटाइटिस, इसका जो पैर है वो हाथी के पैर जैसा फूल जाता है, ऑर्थराइटिस जिसे घुटना में दर्द हो जाता है, कैंसर। इन्फेक्शस डिजीज़ को जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ आर डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी वैसा बीमारी जो एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी तक पहुंच जाता हो, हवा से, पानी से, खाना से, वेक्टर यानी कोई इंसेक्ट जैसे मच्छर, मक्खी, कोई एनिमल, फिजिकल कॉन्टैक्ट छूने से, पकड़ने से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो उसको कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, मिजल्स है, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड एड्स। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट, नॉन इन्फेक्शस डिजीज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी वैसा बीमारी जो एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी तक नहीं जाता हो, उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। जैसे बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये एग्जांपल हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ का। काउजेज ऑफ डिजीज़ आर काउज बाय, बीमारी जो है बहुत सारे उसके काउज हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन दिया हुआ है, जैसे पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और वॉर्म, यानी बीमारी जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू हो सकता है। पुअर हेल्थ, यानी उसका शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो, या और अंडर नरिशमेंट, यानी उसका जो पालन पोषण हो यानी खाना पीना हो उसको बचपन से सही रूप से नहीं मिल रहा हो। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, माल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि उसका जो फंक्शन है, जैसे आपका स्टोमिक का फंक्शन, लीवर का फंक्शन,
हार्ट का फंक्शन होता है, सबका अपना अपना एक फंक्शन है, वो अगर बंद हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता है वो हो गया, उसकी वजह से बीमार पड़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, और भी बहुत सारे पॉल्यूशन है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जीन में होने वाली गड़बड़ी की वजह से जो बीमारी होगा उसको कहेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ एग्जांपल है जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शस डिजीज़, और उसका टॉपिक है इन्फेक्शस एजेंट। यानी इन्फेक्शस डिजीज़ तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी तक पहुंचता है, लेकिन उसके लिए क्या है, कौन कौन सा एजेंट है? तो एजेंट है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म। अब ये हर टाइप के अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप की बीमारी देते हैं। जैसे वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सभी जो बीमारियां हैं वो वायरस से होने वाले बीमारियां हैं। उसमें से एक नया जुड़ गया है कोरोना, जिसको COVID-19 भी कहते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बहुत सारे कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनस है, एंथ्रेक्स है, फूड पॉइजनिंग है, ये सभी बीमारियाँ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं। फंगी से ज़्यादा बीमारियाँ तो नहीं होते हैं, लेकिन कॉमन है, जैसे स्किन इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ हैं मलेरिया है, कालाजार है, अमोबिक डिसेंट्री है, स्लीपिंग सिकनेस है। उसके बाद है वॉर्म। वॉर्म से जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं, और एलिफेंटाइटिस होता है जिसको फाइलेरिया भी कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, यानी इन्फेक्शस डिजीज़ के फैलने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।